चलिए अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के हालात की। तो बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई है। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के हालात पर जानकारी दी है। बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर है, ये एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। बांग्लादेश में करीब 12,000 भारतीय हैं, ये विदेश मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर हिंसा भड़की थी। भारी प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। आपको बता दें कि उनकी पार्टी के और भी कई नेता वहीं फंसे हुए हैं। तो हालात ठीक नहीं है बांग्लादेश में, और कई भारतीय जो हैं वो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। लगभग 12,000 से 13,000 भारतीय बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। तो उस पर चिंता जाहिर की है केंद्र सरकार ने, और सर्वदलीय बैठक इसे लेकर बुलाई गई। As far as India is concerned, I think the first and most important signal we need to send to the people of Bangladesh is that we stand with them, that there is no other vested interest that India has. We have interests, obviously, in a peaceful, prosperous Bangladesh, but we are with the people. We stand for their right to determine their own political destiny and their own representatives. Mm-hmm. स्थिति ठीक नहीं है। आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ पर हिंसा भड़की है। आपको बता दें शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद देश छोड़कर वहां से रवाना हो गई। हालांकि अभी विदेश मंत्री ने भी कहा है कि शेख हसीना को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। भारत आ गई है शेख हसीना और अजीत डोभाल से मिली थी। इसके बाद आज चिंता इसलिए भी क्योंकि 12,000 से 13,000 जो भारतीय हैं वो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। तो सर्वदलीय बैठक इसे लेकर बुलाई गई। बैठक खत्म हो गई है। अपडेट ले लेते हैं, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से। लेकिन हालात अभी आपको बता दें कि वहां पर ठीक नहीं है। जगह जगह हिंसा भड़की हुई है और कहा जा रहा था कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों के मरने की भी खबर है वहां पर। चलिए एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक को लेकर ही बात कर लेते हैं। हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त जुड़ी हुई है दिल्ली से। अपराजिता, सर्वदलीय बैठक हुई है, बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ खास रहा बैठक में? क्या शेख हसीना को लेकर कोई फैसला लिया गया है क्या? बैठक की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले बहुत जरूरी हो जाता है। किस तरीके से कल भी हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई थी जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने किस तरीके से ब्रीफ की थी तमाम चीजों को, और आज की बैठक हुई है। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इस बैठक में ब्रीफ किया गया है कि क्या परिस्थिति रही है बांग्लादेश की, अभी क्या परिस्थिति है, किस तरीके से उसे शांत किया जाएगा, ये तमाम चीजें डिस्कस की गई है। साथ ही जो इंडियन स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे थे या जो भी मौजूद थे बांग्लादेश में, उनसे चीजों को लेकर भी डिस्कशन की गई है। कई हजार लोगों को वापस ले आया जा चुका है, कुछ अभी भी वहां पर मौजूद है, इन चीजों को लेकर के डिस्कस किया गया है। साथ ही देखिए एक और सवाल उठता है कि जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था आर्मी चीफ के द्वारा और कहा गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, तो उसका क्या असर इंडिया को रहता है, ये सभी चीजें वहां पर डिस्कस की गई है। और किस तरीके से इन चीजों को हैंडल किया जाएगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश को इग्नोर नहीं किया जा सकता या फिर साइडलाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां की परिस्थिति डायरेक्टली हमें इफेक्ट करती है। खासतौर पर कुछ बॉर्डर्स की अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गई, बिहार हो गया, इन जैसे अगर हम बॉर्डर्स की बात करते हैं तो बहुत डायरेक्ट कनेक्शन बांग्लादेश से है उसका, तो बहुत असर पड़ने वाला है उसका, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि चीजों को डिस्कस किया जाए। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई, अपराजिता इसे लेकर जानकारी भी दे रही थी। कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई थी, और उसके बाद उन्होंने उसके बाद तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई थी। आज भी सर्वदलीय बैठक हुई है, काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। चिंता जाहिर की गई है, 12,000 से ज्यादा जो नागरिक है भारत के वो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। बैठक हुई थी सर्वदलीय बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए, राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, चिंता जाहिर की गई है क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से यहां पर हिंसा भड़की हुई है और तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, स्थिति ठीक नहीं है। तो
इस पर ये बैठक ली जा रही है और चिंता जाहिर की जा रही है।